हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का बड़ा आरोप सामने आया है। अशोक तंवर ने कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें, अशोक तंवर ने कहा है कि 22 टिकट बेचे गए हैं कांग्रेस की तरफ से और उसकी जानकारी खुद उनके पास है। तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा से जिस तरह से दरकिनार किया है, उसके बाद से लगातार उनके बगावती सुर यहां पर सुनाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी से किनारा उन्होंने कर लिया है। इस्तीफा भी यहां पर पार्टी की तरफ से दिया गया है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया गया है, पार्टी पर लगाया गया और कहा गया है कि 22 टिकट कांग्रेस की तरफ से बेचे गए हैं।